हेलो एवरी वन दिस इज क्लास नाइन इंग्लिश पोएम थ्री रेन ऑन द रूफ वेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फियर्स ह्यूमिड शैडोज यानी कि क्लाउड्स स्टारी स्फियर्स तो स्टारी यानी कि स्टार्स और फीयर्स यानी कि स्टारी स्फियर्स यानी कि स्काई सो जब ये जो क्लाउड्स होते इनकी जो शेडो पड़ती है स्काई पे एंड द मिलन कली डार्कनेस जेंटली वीड्स इन द ट्यूर्स तो ये जो मेलन के लिए इसका मतलब हो गया सैड और जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स तो मतलब ये जो फिर जो डार्क सैडनेस होती है वो अपने आप ही चली जाती है रेन के रेन के आने से ये सारी डार्कनेस ये सारी जो भी रेनी टीयर्स होती है वो अपने आप ही चली जाती है वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ काटेज चैम्बर बेड कितना अच्छा मोमेंट लगता है कि जब आप अपने बेड पर बैठे हुए होते हो अपने कॉटेज चैंबर या कॉटेज चैम्बर यानी कि बेडरूम तो, तो जब आप अपने बेड पर बैठे होते हो अपने बेडरूम में और इतना अच्छा भारत मौसम होता है एंड लाई listening टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड और आप एकदम सोए हुए होते हो अपने बेड पे और आपको वो रेन की जो आवाज़ होती है उसे पैटर कहते हैं तो आपको वो आवाज़ सुन सुनाई दे रही थी ओवर हेड ओवर हेड यानी कि ऊपर जो रूफ था उसमें से आवाज़ आ रही थी तो आपको कितना अच्छा महसूस होता होता था एवरी टिंकल ऑन द शिंग हैज़ एन ईको इन दार्ट तो जैसे जैसे वो आवाज़ टिंगल करता रहता है एक ईको होता है अपने हाथ में

एज आ लेसन टू द पैटर ऑफ़ द रेन अपॉन द रूफ तो मुझे ये सब तब फील होता है जब मुझे पैटर पैटर यानी कि रेन ड्रॉप्स के गिरने की आवाज़ को जब मुझे सुनाई देता है तब तो मुझे ये सब फ़ील होता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स एगो मतलब अब मुझे इन रेन ड्रॉप्स को सुन सुन के मुझे अपनी मॉम की जो मेमरीज है वो याद आती है कि जब वो साल पहले मुझे इस टाइम पर थी मेरे साथ टू रिगार्ड द्लिंग ड्रीम्स का मतलब होता है कि जब रात को जब हम लोग सोते थे तो हमारे सोने से पहले हमारी मॉम क्या करती थी वो हमें चेक करती थी कि सब ठीक ठाक तो है ना टिल द डॉन डॉन यानी कि सुबह होना तो सुबह होने से पहले वो रात को आके एक बार चेक करती थी कि सब कुछ ठीक है ना ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस री फ्रेन तो इसका मतलब है कि ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मोम अभी मेरे साथ ही है मुझे इतना फील इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगस बाय द पैटर ऑफ द रेन और ये सब मुझे कब फील हो रहा है जब वो पैटर ऑफ द रेन यानी कि रेन के जो ड्रॉप्स है उसके जो, जो साउंड है उससे मुझे ये सब फील हो रहा है सो so बेसिकली जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे रेन ऑन दी रूफ मतलब ये जो रेन है वो रूफ़ पे जाती है तो उनको क्या 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 महसूस होता है उस टाइम पे वो सब कुछ इस पोएम में बताते हैं सो सोफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डू शेयर डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्किन स्टडी थैंक यू